हेलो फ्रेंड, इस वीडियो में आपको यहाँ पे सिखाने वाला हूँ, बताने वाला हूँ दोस्तों जो मोबाइल फ्रेम है वो अपनी वीडियो में आप किस तरह से ऐड कर सकते हो। ठीक है, बहुत सिंपल सा तरीका दिखाऊंगा। अगर दोस्तों आप यूट्यूब क्रिएटर हो या फिर दोस्तों कहीं पर भी आप वीडियो बनाते हो तो दोस्तों आपने देखा होगा जो मोबाइल फ्रेम है वो हम किस तरह से लगा सकते हैं। ठीक है, इसका सिंपल सा सोल्यूशन दोस्तों, आपको सिंपल सा तरीका है। ठीक है, वही आपको यहाँ पर सिखाने वाला हूँ। तो दोस्तों वीडियो को एंड तक देखना। तो दोस्तों चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। देखिए आप फ्रेंड, मैं सबसे पहले तो अपनी वीडियो बताता हूँ आपको कि देखिए यहाँ पर मैं अपनी वीडियो में किस तरह से जो मोबाइल फ्रेम है वो आप यहाँ पर लगा सकते हो, जिससे हमारी वीडियो फ्रेंड काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे अच्छी क्वालिटी हमें देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो आप देखिए यहाँ पे मैं दोस्तों सबसे पहले आपको यहाँ पे गूगल क्रोम पे आ जाना है। तो यहाँ पे फ्रेंड मैं जैसे यहाँ पे क्लिक करता हूँ, देखिए तो फ्रेंड यहाँ पे आने के बाद देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे मोबाइल फ्रेम लिखना है। ठीक है दोस्तों, आपको यहाँ पे मोबाइल यहाँ पे फ्रेम तो आप दोस्तों यहाँ पे PNG भी लिख सकते हो। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड जितने भी हैं, ठीक है, इनमें से आप कोई सा भी यहाँ पे आपको डाउनलोड कर लेना फ्रेंड, जो भी आपको अच्छा लगे फ्रेंड इनमें से आप फ्रेम को डाउनलोड कर लेना। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड मेरा यहाँ पे डाउनलोड हो, मैंने पहले से कर रखा था। तो देखिए यहाँ पे मैं आपको न्यू प्रोजेक्ट लेकर फिर से यहाँ पे आपको लेके दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे बैक आता हूँ दोस्तों, यहाँ पे प्लस वाला आइकन क्लिक करता हूँ, यहाँ पे मैं वीडियो पे आता हूँ और दोस्तों जो भी अपनी कैमरे में जो भी वीडियो फ्रेंड उसको यहाँ पे मैं कोई सी भी एक वीडियो को ले आता हूँ। ठीक है, कोई सी भी फ्रेंड आपकी एक वीडियो ही, तो देखिए फ्रेंड मैं ये वाली अपनी वीडियो को ले आता हूँ। दोस्तों आपको जो वो वाला पार्ट ढूंढना है जिस पे आप मोबाइल स्क्रीन लगाना चाहते हो। ठीक है, मतलब कुछ समझाना चाहते हो कि यहाँ पे देखिए ये मैंने इतने बड़े क्रिएटर, या फिर दोस्तों आप कुछ भी यहाँ पे कहना चाहते हो। ठीक है, अपने व्यूअर को फ्रेंड समझाना चाहते हो तो वो चीज़ें आप यहाँ पर समझा सकते हो। अब दोस्तों आपको क्या करना है, जो मोबाइल रिकॉर्डिंग है, ठीक है, हाँ फ्रेंड सबसे पहला पॉइंट आता है कि हम दोस्तों पहले मोबाइल रिकॉर्डिंग भी आपको दिखानी है। ठीक है, कि हम दोस्तों कोई सी रिकॉर्डिंग करना, हमको कोई ऐप्स के बारे में समझाना है या फिर दोस्तों कुछ भी, तो उसके लिए देखिए यहाँ पे मैं मीडिया पे जाता हूँ दोस्तों, और मैंने एक यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग फ्रेंड करके रख रखी थी। ठीक है, अपने जो भी मैं समझाता हूँ अपने व्यूअर को या फिर दोस्तों जो भी है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड मैं अपनी जो वीडियो फ्रेंड उसके यहाँ पे मैंने जो एडिटिंग, मतलब दोस्तों कहते हैं क्या, रिकॉर्डिंग कहते हैं। ठीक है, वो मैंने यहाँ पे पहले से करके रखी थी। तो ये वाला आपको यहाँ पे इस तरह से साइज आपको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेना फ्रेंड। अब दोस्तों आपको क्या करना है, ये वाली वीडियो का फ्रेंड जो हमारे स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी उसको यहाँ पे साउंड को इसको म्यूट कर देना। ठीक है दोस्तों, ये अगर म्यूट नहीं करोगे तो आपका जो साउंड फ्रेंड वो आप जो समझाना चाहते हो वो बिगड़ जाएगा। ठीक है, इसमें भी दोस्तों कोई कोई सी नॉइस आ जाती है, इसलिए दोस्तों हम क्या करते हैं, म्यूट कर देते हैं उस चीज़ को। तो देखिए ये हो चुका है फ्रेंड। अब आपको दोनों उंगली से फ्रेंड इसको यहाँ पे जूम करना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जूम कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड में जूम फुल जूम हो चुका है। अब यहाँ पे आपको जो पहला हिस्सा है यहाँ पे आ जाना है। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद दोस्तों आपको वीडियो को पूरा ध्यान से देखना है। ठीक है, किस तरह से हमको फ्रेम जो है वो एडिट करना है, मतलब दोस्तों फ्रेम ऐड करना है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए मैं लेयर पे जाता हूँ फ्रेंड, और यहाँ पे मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपको नीचे आना, और यहाँ पे अभी तो UC ब्राउज़र, मतलब दोस्तों UC जो मैंने डाउनलोड करा था UC ब्राउज़र से, या फिर दोस्तों आपका जो भी डाउनलोड सेक्शन, ठीक है, वहाँ पे फ्रेंड जो आपका मोबाइल फ्रेम है वो पहुँचता है। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड मेरा ये मोबाइल फ्रेम है, ये आ चुका है। ठीक है, अब देखिए फ्रेंड यहाँ पे आपको यहाँ पर ड्रैग करना अपने मोबाइल जो PNG, ठीक है, इसको यहाँ पर बड़ा कर लेना है। ठीक है, तो दोस्तों आपको यहाँ पे ये वाली स्कीम बिल्कुल, ये जो मैं बता रहा हूँ फ्रेंड, ये ट्रिक बिल्कुल यहाँ पे ध्यान से। ये देखिए हमारी ये मोबाइल की फ्रेम है फ्रेंड वो आ चुकी है। तो हमको इसको क्या कर फ्रेंड, बड़ा छोटा करके इसका जो साइज़ है, ठीक है, जो हमारी स्क्रीन है फ्रेंड उसको मैच कराना है इसमें। तो देखिए हम इसको यहाँ पे इस तरह से फिट करेंगे, जो कि हमारी जो फ्रेम है फ्रेंड वो भी अच्छी रहे, और दोस्तों जो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग है वो भी बाहर ना निकले। ठीक है, कोने उसको अच्छे से यहाँ पे देख ले। देखिए फ्रेंड मेरी यहाँ पे स्क्रीन जो है उसमें ऐड हो चुकी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका फ्रेंड, बिल्कुल सिंपल सी ट्रिक है जो यहाँ पे दोस्तों, कोई यहाँ पे बड़ा काम नहीं। ठीक है, आप काइन मास्टर से बहुत अच्छे तरीके से आप जो है फ्रेम ऐड कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे फ्रेंड मेरा यहाँ पे वीडियो तो बहुत लंबी है, आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, आपको यहाँ पे मोबाइल जो PNG उस पर क्लिक करना है, और यहाँ पे आप इसको ड्रैग कर देना है जहाँ तक आपकी वीडियो फ्रेंड वहाँ तक इसको ले जाना है। अब देखिए आप दोस्तों ये वाला ध्यान रखना आपको, ये वाली क्लिप कि आप दोस्तों जब भी आप वीडियो बनाओ तो ये देखिए फ्रेम ऐड करो तो इस तरह से नहीं दिखना चाहिए। ठीक है, मतलब कैसा कि आपकी वीडियो तो खत्म हो चुकी, लेकिन आपने जो मोबाइल है उसको क्रॉप ही नहीं करा जो PNG उसको। तो दोस्तों आपको जूम इन, मतलब दोस्तों जूम कर लेना। ठीक है, फुल जूम कर लेना फ्रेंड, और यहाँ से इस तरह से देखिए जो हमारा रेड है फ्रेंड वो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। ठीक है, यहाँ पे इसको यहाँ पे क्लिक करके फ्रेंड और जो क्लिक देंगे तो ये देखिए हमारा एक फ्रेम में आ चुका है। मतलब अब भी हमारे थोड़ी सो आगे पीछे हो रही है, तो हम इसको थोड़ा सा बढ़ा भी देंगे फ्रेंड। ये दोस्तों माइनर चीज़ है, मतलब छोटी छोटी चीज़ें जिनको आपको बहुत ध्यान रखना है। देखिए हमें मेरी वीडियो आ चुकी है। तो देखिए अब मैं आपकी जो दोस्तों मेरी वीडियो वो आपको यहाँ पर चला के दिखाता हूँ। तो अब यहाँ पर देख सकते हो आप। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड मैं अपनी वीडियो को प्ले करता हूँ। तो आप यहाँ पे देख सकते हो फ्रेंड जो वीडियो है फ्रेंड वो एकदम बिल्कुल परफेक्ट तरीके से जो हमारी मोबाइल फ्रेम है उसमें ऐड हो चुकी है, जो हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग थी फ्रेंड वो अच्छे से यहाँ पे ऐड हो चुकी है। तो दोस्तों इस तरह से आप जो काइन मास्टर या फिर दोस्तों कोई सी पावर डायरेक्टर हो गई, या फिर दोस्तों कोई सी भी वीडियो एडिटिंग एप्स हो गई, उसमें आप अच्छे से इसको यहाँ पे दोस्तों ऐड कर सकते हो। ठीक है, चला सकते हो, मतलब दोस्तों अच्छे से हम उस पर क्या फ्रेंड उसमें ऐड कर सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और दोस्तों हाँ चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लेना, क्योंकि दोस्तों मैं ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो आपके लिए हमेशा लाता रहूँ। ठीक है, तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लिए जय हिंद, वंदे मातरम।